पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा किस तरह से हम लोग सुल्तानगंज पहुंचे, उसके बाद वहां पर हम लोगों ने कांवर सजाया। कांवर सजाने के बाद हम लोग गंगा जी तरफ घूमने के लिए गए, आपको माँ गंगा एवं अजनबीनाथ मंदिर का दर्शन कराया। उसके दूसरे दिन सुबह को हम लोग गंगा जी में स्नान किए, उसके बाद गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए निकले और शाम होते होते लगभग हम लोग 40 से 45 किलोमीटर दूरी तय कर लिया था। तो चलिए आज के ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और आगे के सफर को आपको दिखाते हैं। रात को हम लोगों ने इस जगह पर विश्राम किया था और इतना ज्यादा थक गए थे कि सुबह जो है लेट से हम लोग का नींद खुला, तब तक देखिए कितने कांवरिया आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे पैर में क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। अभी सुबह उठ के जैसे ही पैर जमीन पर रखा तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं चल रहा था क्या है। उसके बाद मैंने देखा ये क्या हो गया इतना बड़ा, तो हम लोग इसे फोका बोलते हैं। देखिए कितना बड़ा फोका हो चुका था एक दिन चलने के बाद ही। अभी तो बहुत रास्ता बाकी था इसलिए हम लोग जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो गए और उसके बाद कांवर के सामने इस प्रकार से हम लोगों ने जो है कान पकड़ा, उसके बाद आगे चलने के लिए तैयार हो गए। किसो दूर हलो खोल रे इन्हें ले पकड़े। अब हम लोग कांवर को ले रहे हैं और मैं जो है घर के लिए भी गंगा जल में लेके आ रहा था, तो मैंने एक पीठ में जो है बैग ले लिया था जिसमें 2 लीटर गंगा जल था, क्योंकि घर में भी पूजा अर्चना होता है तो इसके लिए मम्मी के लिए मैंने 2 लीटर जल पीठ में भी ले लिया था। वो बैग जैसा रहता है जिसमें आपको 2 1 लीटर का जो है आपका डब्बा आ जाता है, मैंने वो डब्बा भी पहले पीठ में ले लिया। और देखिए यहाँ पर कांवर जो टंगा हुआ था उसको हम लोग चेक करते हैं कि रस्सी ढील वगैरह हुआ है क्या नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब ने कांवर उठाया और अब चलेंगे फिर बाबा धाम के तरफ। आज देखिए कितना दूर चल सकते हैं, आपको सारा कुछ जो है इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है जो बोलबम जाते थे उनका पुराना जो है यादें ताज़ा हो जाए, क्योंकि अभी जो है 2 साल से तो जो है बोलबम बंद है, सावन मेला बंद है और मंदिर भी बंद है। तो चलिए ये पुरानी यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, तो जो है आप भी अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। और देखिए अब सब जो है हम लोग हमारे दोस्त सब भी तैयार हो रहे हैं आगे निकलने के लिए। तो चलिए आपको सारे रास्ते का नज़ारा यहाँ पर मिलने वाला है, आप लोग भी जो है वीडियो में साथ साथ हम लोग के साथ चलिए बाबा धाम और जो है अपने दोस्तों को भी दिखाइए ये वीडियो। चलिए चलते हैं आगे के तरफ। इस वीडियो को देखकर आप कांवर यात्रा के लिए न आए क्योंकि इस वर्ष कांवर यात्रा नहीं हो रहा है और मंदिर भी अभी बंद है। मैं आपको हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि अभी घर पर रह के ही बाबा का पूजा अर्चना करें, जैसे ही मंदिर खुलेगा मैं मंदिर का ब्लॉग आपको डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मंदिर खुल चुका है, उसके बाद ही आप पूजा अर्चना करने के लिए आए, अभी घर से ही बाबा का दर्शन करें। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। पूरे रास्ते में आपको इस प्रकार का जो है दुकान मिल जाएगा और रास्ते में अधिकतर जगह पर आपको छांव ही मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पेड़ सब है तो उसके नीचे नीचे ही रास्ता है और रास्ते में तो अच्छे से बालू बिछा दिया जाता है ताकि किसी भी कांवरियों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और बीच बीच में तो जो है DJ वगैरह भी मिल जाता है जहाँ पर जो है आप थोड़ा डांस भी कर सकते हैं। आप लोगों को भी ये जो है देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चलिए अगर वहां तो जा नहीं पा रहे हैं लेकिन वीडियो में ही कुछ भाग देख ले रहे हैं, थोड़ा जो है याद भी ताज़ा हो जा रहा है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं फिर आपको बोलता हूं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ऐसा वीडियो मिलता रहे। चलिए अब थोड़ा रुकते हैं और चाय पीते हैं फिर यहां से आगे चलेंगे। चाय पीने के लिए रुके हुए थे तो एक माता बम ने बताया कि आप जो है पैर में नींबू का रस लगा लीजिए जिससे और फोका नहीं होगा, तो मैं वही जो है नींबू का भी रस लगा रहा हूँ पैर में।
चलिए अब यहाँ से फिर आगे निकलते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना बाकी। अब जो है हम लोग सभी दोस्त बिछड़ चुके हैं, कोई पीछे रह गया कोई आगे है, तो सब ने अभी जो है कॉल किया, हम लोग ने बात कर लिया कि एक जगह चलो सब कोई रुकते हैं, तो चलिए थोड़ा देर में सब मिलते हैं एक जगह पर। सुधीर बम होनी लेके सुशल मनोज बम इधर बा राजेश बम और हम कैमरा बम, ठीक ना। आज जलेबी है आज गरम गरम आज हाजी में खाओ, चलो जलेबी खाओ बम। फिर वहाँ पर थोड़ा देर रुके, हम लोगों ने जलेबी खाया और फिर आगे निकले, तो एक दोस्त ने तो पैर में एंकलेट भी पहन लिया। रास्ते में इस प्रकार से आपको अनेक जगह पर डीजे लगा हुआ मिल जाएगा, जहां पर आप डांस करके जो है अपना थकावट थोड़ा कम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। आपको चेहरा देखकर और आवाज से ही पता चल गया होगा हम लोग कितना थक चुके हैं, और आज कांवर यात्रा का दूसरा दिन है और धीरे धीरे अब शाम भी हो रही है, लाइट कम हो चुकी है। कुछ देर पहले हम लोग रुके हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्या खाया जाए भाई, तो हम लोगों ने जो है सबने बोला भाई नमक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नमक तो नहीं खा सकते हैं, फल ही खाएंगे तो क्या खाया जाए। तो फिर हम लोगों ने सोसा वगैरह लिया, टमाटर लिया और उसके साथ मिर्च हम लोगों ने खाया, तो थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि मीठा ही खा रहे थे सारा समय रास्ते में। अब हम लोग झारखंड पहुँचने ही वाले हैं, बस एक नदी क्रॉस करना बाकी है। ये तो हम लोग का आज का टारगेट है कि हम लोग जो है अब झारखंड इन करने के बाद ही रुकेंगे, तो यहाँ से झारखंड जो है लगभग अभी 6-7 किलोमीटर है। और देखिए अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से मूर्ति बनाकर रखा गया है, कहीं कहीं तो ऐसे करके जो है मोटर फिट कर दिया गया है जिसमें सभी मूर्तियाँ जो है घूमती है। और हम लोग जो है झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं, अब हम लोग ठहराव का जगह देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए गणेश जी और कार्तिक जी बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती का जो है परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें मोटर लगा हुआ है। इस प्रकार का जो है बहुत जगह मूर्ति आपको मिल जाएगा, सबों में जो है मोटर लगा हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग झारखंड प्रवेश कर चुके हैं और रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए हैं, तो रास्ते में आपको हर जगह इस प्रकार का विश्राम करने का मिल जाएगा, सारा कुछ प्रबंध रहता है। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम करने वाले हैं, तो आपको भी मैंने सोचा चलिए दिखा देते हैं क्या और किस प्रकार का जो है बंदोबस्त रहता है। तो यहीं पर हम लोग सभी थोड़ा देर जो है बैठ के आराम किए, उसके बाद सोने के लिए जो है तैयार हो गए। तो चलिए अब हम लोग सोते हैं और कल आपसे मुलाकात होगा बाबा धाम के ब्लॉग के साथ, और कल हम लोग सुबह सुबह जो है बाबा मंदिर पहुँच जाएंगे। तो ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।